तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली ये भी क्या है भाई, टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। जिसको प्रोजेक्टाइल आता है वो कर लेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। यहाँ से देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो प्लस है वो ऊपर है, जो माइनस है वो नीचे है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास चार्ज ई है, मास एम है, उसको यहाँ से छोड़ा गया, तो ऑब्वियसली ये जो सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। वो एक इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, और ये जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, एक पैराबोलिक पाथ है, इस टाइप के पाथ फॉलो करेगा, ठीक है ना। इस ट्रेजेक्ट्री पे ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये पैराबोलिक पाथ आएगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो जब ये एग्जिट होगा, क्योंकि ये एग्जिट होगा, तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी। एक होगी एक्स एक्सिस में, ठीक है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती, जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के बराबर होगी, यहाँ पर जितनी छोड़ी गई थी वी नॉट एक्स एक्सिस में। और एक एक्स जो फोर्स वाई एक्सिस में लग रहा है, वो वेलोसिटी बदल जाएगी, वो बी वाई होगी। तो अगर यहाँ पे रिजल्टेंट देखोगे तो नेट वेलोसिटी ऐसे कुछ आएगी टेंजेंशियली। तो ये थीटा की कैलकुलेशन करनी है, ये थीटा। तो यहाँ से देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो टेन थीटा बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो वी वाई अपन वी एक्स, मतलब लॉजिक ये डेवलप हुआ कि अगर यहाँ पर लॉजिक ये डेवलप हुआ कि अगर मुझे वाई और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी पता चल जाए, तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी, एक्स एक्सिस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस स्पीड को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो जब टाइम जीरो था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ दिया है 0.5 e थी, ठीक है ना। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में देगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो थी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ एम और वी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जो ये वाली जो वेलोसिटी है, तुम देखोगे एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो वी नॉट होगी, और वो यू एक्स होगी, और वो कभी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स जीरो है। पर तो यहाँ से तुम देखोगे जो वी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, वो टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम और अंडर रूट, यहाँ से तो ये आ जाएगा टू। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखोगे तो इस काइनेटिक एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो 0.5 e और डिवाइडेड बाय मास और अंडर रूट ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से वन आ गया, तो एक्स एक्सिस वाली जो वेलोसिटी आ जाएगी वो ई अपन एम अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज द बेसिकली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे कह दो आप। या अगर आपको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब एल के टर्म में लिख सकते हो। तो लेंथ ऑफ ट्यूब एल, तो एक्स एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी इज इक्वल टू एल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। तो टाइम जो लगा होगा एल अपन वी एक्स लगा होगा, तो एल अपन वी एक्स तुम देखोगे तो एल, और यह आ जाएगा एम बाई ई अंडर रूट ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है इतना टाइम इसको लगा होगा आने में, ठीक है, बता रहे समझ में। तो यहाँ से एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। चलो अब वाई एक्सिस वाली कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं वाई एक्सिस वाली कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस वाली कैलकुलेट करना थोड़ा सा एक्स एक्सिस के कंपेयर में डिफिकल्ट नहीं है, मतलब उतना। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देता हूँ, किधर वाई एक्सिस में इसको मैं अप्लाई कर दूँ। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस में, तो इन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो, और एक्सलेशन इन वाई एक्सिस टाइम टी के, एक्सलेशन इन वाई एक्सिस जो होता है वो स्मॉल ई के फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, ठीक है ना, और टाइम टी की वैल्यू एल और एम बाई ई अंडर रूट, ठीक है। तो एम बाई अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ ई एल बचा, और इसको जब अंदर जाओगे तो ये ई अपन एम अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, दैट इक्वेशन नंबर टू। तो अब हमें पता चल गया, तो हमें टेन थीटा कैलकुलेट करना था। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो अपना था वी वाई अपन वी एक्स के इक्वल था। तो वी वाई कितनी है भाई? तो यहाँ पर देखोगे वी वाई की वैल्यू है ई एल ई कैपिटल ई, ठीक है ना। यहाँ से वी वाई की जो वैल्यू है
तो यहाँ से कैपिटल ई एल स्मॉल ई अपन एम अंडर रूट ए वाली और डिवाइड कर दूँ यहाँ से, तो भी पी एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगा तो स्मॉल ई कैपिटल ई अंडर रूट ए, तो ये से ख़त्म हो गया। मतलब ई एल की वैल्यू ही थीटा की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी यहाँ पे वो 10 थी, और जो लेंथ है वो भी 10 ही है, लेकिन 10 सेंटीमीटर है, 10^-2 मीटर, कुल मिला के 1 आ गया। तो 10 थीटा की वैल्यू अगर 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हुआ होगा फाइनली। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो खाली जगह थी वो मुझे भरते हुए बहुत अच्छा लगता है, थीटा इन डिग्री 45 डिग्री। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।